राजा महाराजाओं के एक सिस्टम हुआ करता था कि भाई एक राजा कितने भी बेटे, जैसे उदय सिंह के कहते हैं कि प्रतापन 28 भाई थे, तो उदय सिंह 28 बेटे थे। अब एक सिस्टम हुआ करता था कि भाई एक पिताजी के मरने के बाद में वह बेटा जो राजा बनेगा वो अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा, वह बेटा जो अगला राजा बनेगा वो पिता के अंतिम संस्कार में बाल नहीं कटवाएगा, रोएगा नहीं, पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाएगा, वो राष्ट्र लग की तैयारियां करेगा। तो जिस बेटे को अगला राजा बनाना होता था उसे अंतिम संस्कार में लेके, ऐसा माना जाता है कि राजा के दुख नहीं होता कोई, राजा हमेशा सुख में ही रहता है, इसलिए राजा को दुख के मामलों में नहीं लेके जाएंगे। तो जगमाल को अगला राजा बनना है तो जगमाल तो अंतिम संस्कार में नहीं जाएगा, उसको कहा तो राष्ट्र लग की तैयारियां कर, तेरा साफा वाफा तैयार रखा, आगे बांधेंगे तेरे तिलक निकालेंगे। और बाकी ये जितने भाई थे, प्रताप थे, शक्ति सिंह थे, कान्हा था, सगर थे, खूब सारे भाई थे, ये बाकी वाले भाई पिता के अंतिम संस्कार के लिए गए। वहां गोगुंदा में अंतिम संस्कार किया, गोगुंदा में रहते थे। अच्छा, राणा जी मरे तो आसपास की जनता इकट्ठी हुई, राजा मरा तो खूब सारे लोग इकट्ठे हुए, आसपास की सारी जनता, बड़े बड़े सामंत सब इकट्ठे हुए। और वहां जनता ने जब ये देखा कि महाराणा प्रताप वहां घूम रहे थे अंतिम संस्कार में, तो लोगों के दिमाग में ये था कि उदय सिंह मरेंगे तो अगला राजा कौन बनेगा। महाराणा प्रताप सबसे बड़े थे, योग्य थे, पराक्रमी थे, जनता में बेहद लोकप्रिय थे, और जनता को लगता था हमारा ये राजकुमार अगला राजा बनेगा। उन्होंने जब प्रताप को देखा तो लोगों में खुसर-बुसर होनी शुरू हुई, प्रताप यहाँ कैसे, प्रताप यहाँ कैसे, प्रताप यहाँ कैसे। ये बड़े सीनियर को कहा कि यार प्रताप यहाँ कैसे घूम रहे हैं। पूछा प्रताप से जाके, भाई आप अगले राजा बनोगे, नियम ये कहता है कि अगला राजा अंतिम संस्कार में भागे नहीं, तो आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, ये आप शकुन है, ऐसे नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आपको पता नहीं होगा शायद, बाकी पिताजी मुझे राजा नहीं बना के गए, पिताजी राजा किसको बना के चले गए। जब जगमाल राजा बनेगा तो जगमाल अंतिम संस्कार में नहीं है तो मुझे तो आना ही पड़ेगा, बाद में आया हूं अंतिम संस्कार में। अभी लोगों में वापस बात चलेगी, प्रताप को नहीं बना रहे, जगमाल को बना रहे, जगमाल को बना रहे, और लोगों ने वहां विद्रोह किया। लोगों का नहीं, हमारा राजा कैसा हो, महाराणा प्रताप। कृष्णदास चुंडावत सलुम्बर के, सलुम्बर का सामंत था, उसका नाम क्या था। और चुंडा ने जब राजगद्दी त्यागी थी तब यह कहा गया था कि मेवाड़ के राजा का राजतिलक कौन करेगा, सलुम्बर का सामंत कौन करेगा, सलुम्बर का सामंत करेगा। और सलुम्बर के सामंत थे कृष्णदास चुंडावत, क्या नाम था, चुंडा के वंशज हुए तो नाम क्या हो गया, चुंडावत, कृष्णदास नाम था। लोगों ने कृष्णदास जी को कहा कि कृष्णदास जी मेवाड़ में राजा कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा यह तय सलुम्बर का सामंत करता है, नहीं कि मेवाड़ के राणा। उदय सिंह कौन होते ये बताने वाले कि मेरे मरने के बाद जगमाल को राजा बनाना या प्रताप को राजा बनाना, ये जनता तय करेगी, ये सलुम्बर का सामंत तय करेगा कि हमारा अगला राजा कौन होना चाहिए। और इस समय जब देश संकटों से घिरा हुआ है, इस समय जब मेवाड़ पर अकबर जैसे प्रबल शत्रु के आक्रमण की संभावनाएं बनी हुई है, इस समय जब हम चारों तरफ से घिर चुके हैं और चित्तौड़ का किला खो चुके हैं, हम जगमाल जैसे राजा के अधीन नहीं रहना चाहते। हमारा राजा कैसा होना चाहिए, प्रताप राजस्थान के वह राजा है जिसको बपोती में राज नहीं मिला था, जनता चुन के लाई थी, कि उस समय वोटिंग भी हुई होती तो कौन राजा बनता उस टाइम में, वो राजतंत्र में लोकतंत्र का अनूठा प्रयोग था, जब गोगुंदा के उस शमशान घाट के अंदर जनता ने प्रताप के नारों से उस भूमि को गुंजायमान करके रख दिया था। हमारा राजा होना चाहिए तो कौन होना चाहिए, वापस आए वहां से आए जगमाल, अपनी तैयारियां कर रहा था, उधर से जगमाल ने बार नारे सुने, जगमाल का नारा चेंज करो, नारा ये हमारा राणा कैसा हो, महाराणा जगमाल जैसा हो। कृष्णदास चुंडावत ने कहा थप्पड़ मारूंगा तेरे, उड़े आज। कृष्णदास चुंडावत ने जगमाल को तो उठा दिया और उसकी जगह किसको बिठा दिया। अच्छा, राजा का राजतिलक तो उसी दिन कर दिया करते थे जिस दिन राजा मरता था, पुराने वाला राजा मरा तो हाथों हाथ गद्दी पे किसी ना किसी को तो बिठाना पड़ेगा, तो राजतिलक तो हाथों हाथ कर दिया करते, बाद में फंक्शन करते, राजतिलक समारोह मनाया थे, तो राजतिलक समारोह तब मनाते जब मुहूर्त देखते, आसपास का कोई अच्छा दिन पड़ रहा हो, मुहूर्त तो समझते हो, तो मुहूर्त पंडित जी से पूछो, पंडित जी मुहूर्त देखो, मुहूर्त देख के बताओ, पंडित जी ने मुहूर्त देख के बताया भाई इस दिन आप फंक्शन कर सकते हो। तो बाद में प्रताप का राजतिलक समारोह जो किया गया था वो किया गया कुंभलगढ़, कहां पे किया गया, राजा राजधानी में बने, राजधानी कौन सी आपकी, चित्तौड़, चित्तौड़ पे तो कब्जा किसने कर रखा है, अकबर, तो वो नहीं तो फिर दूसरे संकटकालीन राजधानी कौन सी, कुंभलगढ़। इसलिए प्रताप का राजतिलक समारोह कहां पर मनाया गया था, तो पहले राजा तो कहां पर घोषित कर दिया था उसे, गोगुंदा, लेकिन फंक्शन कहां पर किया गया, फंक्शन का मतलब है बड़ा आयोजन करवाते थे, कार्यक्रम करवाते, खाना पीना करते जनता के लिए, उसमें यज्ञ किया जाता, यज्ञ के लिए पंडित जी बुलाए जाते बड़े बड़े, आसपास के राजाओं को इकट्ठा करते। आप इस बात को यूं समझिए, शपथ ग्रहण समारोह था। आज भी कोई सीएम शपथ ग्रहण समारोह लेता कि भाई आज चुनाव हुए, आज चुनाव हुए, शाम को पता चल गया कि साहब फलाण जी की 102 सीट आ गई तो फलाण जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो पता चल गया, ये तो क्लियर हो जाता है। लेकिन फलाण जी का एक शपथ ग्रहण समारोह होता है जिसके अंदर, अब बाकायदा अपने अशोक जी का जब शपथ ग्रहण समारोह, तो पंजाब के सीएम को भी बुला लेते हैं, यूपी के सीएम को बुला लेते हैं, गुजरात वाले को बुलाते हैं,
मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह है तो भी हम पढ़ते हैं कि साहब श्रीलंका का राष्ट्रपति आ गया, नेपाल का, इस बार तो नहीं बुलाया, 2014 में तो उन्होंने बुलाए थे, आसपास के सार्क देशों के जितने भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उन सबको बुलाया था। और अब भी अपने पढ़ते हैं कि साहब जापान में शिंजो आबे प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ने अपना शुभकामना संदेश उनके लिए भेजा, ऐसे पढ़ते हैं अपने। तो वैसे वैसे आसपास के राजाओं को इकट्ठा किया करते थे। इन दिनों मारवाड़ में एक राजा थे चंद्रसेन। मारवाड़ में राजा कौन थे? अकबर के खिलाफ लड़ाई के अंदर लगे हुए थे। चंद्रसेन अकबर से लड़ ही रहा था उस दिन। पक्का प्रताप ने पूछा होगा चंद्रसेन से, वहां आया तो क्या चल रहा है आपका, उधर क्या पोजीशन है? तो चंद्रसेन ने कहा अकबर से लड़ाइयां चल रही, क्या रिजल्ट है? तो उसने कहा कभी लठ पड़ जाते हैं और कभी मार लेते, तो मुझे क्या करना चाहिए, सेम तू कर ले, तू कभी लठ मार इन कभी पार नहीं पड़े तो अपने पड़ जाए, और तो क्या हो सकती है इसके अंदर, बाकी लड़ाई हो सकती है, लड़ाई में दोनों नतीजे निकल सकते हैं। तो चंद्रसेन जो प्रताप से भी पहले अकबर से लड़ चुका था, वो प्रताप के राजतिलक समारोह में आया था। प्रताप का राजतिलक समारोह कहाँ था? अच्छा, कौन से भाई को हटा के प्रताप राजा बने? जगमाल अकबर के पास चला जाता। जगमाल कहाँ चला जाता? जगमाल आया मानसिंह के पास। मानसिंह था अमीर वाला, तो मानसिंह के पास आता है। मानसिंह और जगमाल रिश्तेदारी में थे। मानसिंह की मम्मी और जगमाल की मम्मी आपस में बहने थी, कुछ वैसा था, मासी के बेटे बहन थे ये। तो यहाँ पे मानसिंह के पास आया। मानसिंह और ये तब तक अकबर से संधि कर चुके थे। तो मानसिंह उसको कहाँ पे लेके चला गया? अकबर को। अकबर बड़ा राजी, यार उदय सिंह के परिवार में फूट पड़ गई, मेवाड़ के तो राणा का भाई मेरे पास बैठो। उसने कहा शाबाश यार, वेरी गुड, आप बराबर बैठ, तू क्या किया जाए? तो भीलवाड़ा में अपने एक जगह पड़ती है जहाजपुर। कौन सी जगह? तो कहा इसे जहाजपुर का परगना दे दिया जाए। कौन सा परगना दे दिया जाए? तो जगमाल को अकबर ने कहां का परगना दे दिया था? जगमाल का ससुराल था सिरोही। जगमाल का ससुराल कहां था? तो जगमाल की जो वाइफ थी उसने जगमाल को कहा कि मेवाड़ तो अपने हाथ से निकल गया, मतलब तेरे बाप का राज्य तो तेरे को नहीं मिला, मेरे बाप वाला तो ले, तू सिरोही ले राजा ही बनना चाहता है। तो सिरोही का राजा था सुल्तान। सिरोही का राजा कौन था? सुल्तान। किसका सहयोगी है? प्रताप। तो जगमाल ने जाके अकबर को कहा कि भाई सिरोही का राजा सुल्तान वैसे भी तेरे साथ नहीं है, और सिरोही का राजा सुल्तान किसके पक्ष में? प्रताप के पक्ष में, इसलिए तो सिरोही मुझे दे दे, मैं तेरे पक्ष के अंदर हूं। तो अकबर ने कहा ठीक है बात करते हैं। बीकानेर में एक राजा थे राय सिंह। बीकानेर राजा कौन थे? अकबर ने राय सिंह को कहा कि तू सिरोही वालों से बात कर। बीकानेर वाला राय सिंह सिरोही वाले सुल्तान से बात करता है। सिरोही वाले सुल्तान कहता है अकबर की आंख टेढ़ी है तेरे पे, और अकबर तेरे पे अटैक करेगा, और तेरे पे अटैक करके तेरे से सिरोही छीनेगा। तो उसने कहा तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उसने कहा तो एक काम कर, तू आधी सिरोही सरेंडर कर दे, तेरे से वो पूरी सिरोही लेगा, इससे अच्छा तू मुझे क्या दे दे? आधी सिरोही। आधी सिरोही मुझे दे दे, मैं अकबर से बात कर लूंगा, आधी तू रख ले, तो तू आधे का तो कम से कम राजा रहेगा। सुल्तान ने कहा ठीक है। तो सिरोही का दो टुकड़े किए गए, आधी सिरोही तो किसको दे दी गई? सुल्तान को। और आधी सिरोही किसको दे दी गई? अकबर। अकबर ने आधी सिरोही लेके दे दी जगमाल को। अब सिरोही में दो राजा, आधी सिरोही का राजा कौन है? जगमाल। और आधी सिरोही का राजा कौन है? सुल्तान। जगमाल की वाइफ ने जगमाल कहा आधी क्यों पूरी, आधी क्यों लेनी चाहिए, पूरी लेनी चाहिए? और वो महल, शाम को डेली जब मैं देखती हूँ कि महल में रोशनी होती है, मेरा कालजा बढ़ता है, ये क्या तरीका है? मेरे पिता के जिस महल में मुझे रहना चाहिए था, ये मेरा भाई बैठा हुआ, और तू तो अकबर से बात करके अपने पूरी लेंगे। तो जगमाल ने अकबर को कहा कि मुझे सिरोही पूरी चाहिए। तो अकबर ने कहा लड़ाई कर लो, और लड़ाई करके ले लो। तो उसने कहा सेना दे मेरे को, तो उसने कहा सेना ले जा। तो युद्ध लड़ते हैं दत्तानी। कौन सा युद्ध लड़ते हैं? और दत्तानी में सुल्तान जगमाल को मार के पूरी सिरोही पे कब्जा कर लेता है। अच्छा, ये तो जगमाल की बात आगे बीच में इसलिए अपने लग गए। इधर आपके 1572 में राजा कौन बन जाता है? महाराणा प्रताप। अच्छा, अकबर ने मेवाड़ पर हमला किया था उदय सिंह के टाइम, तो क्या उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? नहीं, अकबर चित्तौड़ के किले पर कब्जा जरूर कर लेता है, लेकिन उदय सिंह ने उसकी अधीनता स्वीकार, लेकिन चित्तौड़ के किले के कब्जे के 4 साल के अंदर अंदर उदय सिंह की भी क्या हो गई? डेथ हो गई। उदय सिंह भी वापस चित्तौड़ का किला जीत नहीं पाया, लेकिन उसने अकबर से किसी भी प्रकार की संधि अधीनता स्वीकार भी नहीं। तो अकबर को लगा यार उदय सिंह तो अपनी पूरी जिंदगी मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करता है। अब एक नया नया राजा बनाया प्रताप, क्या बताइए, मान जाए यंग ब्लड, इससे बात की जाए, नया नया बना, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, मना नहीं कर पाएगा, अपने से डर जाएगा और अपने से क्या कर लेगा? संधि कर लेगा। तो अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे। जलाल खान कुर्ची राजा से मिलने के लिए कब आया? 1572 में। और बाकी तीनों कब आए? 4 दूत आए थे, बाकी तीनों के नाम बताओ देख क्या क्या। मानसिंह, भगवंदास, और भगवंदास नाम आपका सुना हुआ है ना, आमेर के भगवंदास ने बूंदी के सुरजन को समझाने में मुख्य भूमिका निभाई थी, बताया था, मतलब उसकी, इसका मतलब अकबर की तरफ से एक दूत मुख्य रूप से जाया करता था, वो कौन था? भगवंत। इंटेलिजेंट बंदे थे, तो समझाने के लिए अकबर अक्सर किसका इस्तेमाल किया करता था? भगवंदास जी के बेटे थे, उनका नाम था मानसिंह। बेटे का नाम क्या था? भगवंदास जी इस टाइम आमेर के राजा है और मानसिंह आमेर का राजकुमार है।
जयपुर या आमेर के राजा तो कौन थे? भगवंत दास। और मानसिंह कौन था? राजकुमार, भगवंत दास का बेटा था। ये दोनों बाप बेटे। तो कोई पूछे कि भाई दो एक बाप बेटे की जोड़ी प्रताप को समझाने के लिए गई थी तो कौन कौन थे? मानसिंह और बेटा पहले गया, पिताजी बाद में गए। अरे बात समझो, सबसे पहले आदमी कौन गया था, फिर टोडरमल जी का नाम आपने सुना है, वित्त मंत्री थे उस टाइम अकबर के, निर्मला सीतारमन यही हुआ करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। जलाल खान कोरची एक बहुत अच्छा दूत था जो अक्सर बात बहुत अच्छी किया करता था। तो जैसे ही प्रताप इधर 72 के अंदर राजा बने तो भाई प्रताप को बातचीत करने के लिए सबसे पहला आदमी किसको भेजा जाए? तो ऐसे आदमी को भेजा जाए जो बातचीत में माहिर, तो बातचीत में माहिर आदमी कौन था? तो कोरची का, कोरची तू अपनी तरफ से बधाई दे क्या? वही जो मैं अभी कह रहा हूँ कि शिंजो आबे जब जापान का प्रधानमंत्री बनता है तो मोदी जी बधाई भेजते हैं, अब तो बधाई व्हाट्सएप पे भेज दो, मेल कर दो, पहले जाके देनी पड़ती आपको बधाई। तो अकबर ने कहा अपनी तरफ से बधाई दे क्या, और बात बात में साथ में ये भी पूछ लेना क्या प्लान है आगे का। तो कोरची ने कहा ठीक है। तो कोरची यहाँ पे गुलदस्ता लेके आया बड़ा सा, और कोरची ने आगे महाराणा प्रताप को कहा कि सर वो मैं अकबर का दूत हूँ और अकबर ने आपके लिए गुलदस्ता भेजा है, और मुगल बादशाह अकबर के तरफ से हृदय के अनंतम गहराइयों से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधान का थैंक यू बेटो, कोरची चाय पानी पियो और बताओ क्या समाचार घर पे तुम्हारे, राजी खुशी सब? कोरची का सब, राणा जी की दया एकदम। और बताओ, तो उसने एक बात पूछनी थी राणा जी, कहा कोई प्लान है? कहा नहीं पक्का। कहा थोड़ा बहुत कोई? कहा एकदम ही नहीं। अकबर को कह दूं जाके? कहा कोरची वापस गया उसने जाकर, भाई साफ साफ मना किया उनका संधि का, किसी भी प्रकार से कोई भी प्लान है? अकबर ने कहा कोरची तू तो इंटेलिजेंट आदमी यार, तू तो बातों बातों में बंदे से तैयार कर ही लेता है, इस बार बंदा यूं दृढ़ प्रतिज्ञ दिखा मेरे को और बातचीत करने के लिए तैयार किसी भी प्रकार से। अकबर इंटेलिजेंट बंदा था। अकबर ने कहा यार राजस्थान का राजा है इसलिए क्यों ना किसी राजस्थान के बंदे को भेजा जाए, यंग बंदा है इसलिए क्यों ना किसी यंग बंदे को भेजा जाए। और उसके दरबार में आमेर के राजकुमार थे मानसिंह, बेहद पराक्रमी योद्धा, समझदार, सूझबूझ वाले। मानसिंह में जितनी विशेषता हो सकती है वो सारी थी। तो कहा साहब मानसिंह जी, कहा मानसिंह आमेर गए हुए कितने दिन हो गए? मानसिंह ने कहा साहब टाइम तो हो गया, काफी टाइम हो गया। तो कहा जाके आओ, तुम्हारे आमेर जाके आना, पर रूट ये पकड़ना उदयपुर वाला, यहाँ से जाओ आगरा से जाओ उदयपुर और उदयपुर से तुम्हारे आमेर चले जाना आगे, और बीच में वो समझ गए ना तुम? मानसिंह ने कहा हाँ सर आगे बात समझ गए। तो मानसिंह यहाँ उदयपुर बातचीत करने के लिए आया। अच्छा प्रताप को जब पता चला कि आमेर का राजकुमार मिलने आया, कौन मिलने के लिए है? आमेर का राज, एक प्रोटोकॉल कहता है कि रूस का विदेश मंत्री आए तो अपना विदेश मंत्री मिलेगा, चीन का रक्षा मंत्री आए तो अपना रक्षा मंत्री मिलेगा, फलाना राष्ट्रपति आए तो अपना राष्ट्रपति मिलेगा, प्रोटोकॉल होता है। अच्छा जब प्रताप को पता चला कि यार मेवाड़ का राजकुमार मेरे से मिलने के लिए आया, मेरे से बातचीत करने के लिए आया, तो उसने अपने राजकुमार को कहा भाई तू बात कर, उनका राजकुमार है तो अपनी तरफ से भी अपना राजकुमार कर लेगा। प्रताप के सबसे बड़े बेटे थे अमर सिंह, क्या नाम था? शाम को डिनर का प्रोग्राम रखा गया कि मानसिंह को डिनर पे बुलाया जाए और वहां पर मानसिंह से बात की जाए। अमर सिंह के लिए कहा जाता कि अमर सिंह थोड़ा बदमाश टाइप का बंदा था, गांव में नहीं कहते बोछरडो, अमर सिंह उस टाइप का था। तब शाम को डिनर का प्रोग्राम होता क्या है कि जो गेस्ट होता है वो तो लेट आता है, होस्ट होता है वो जल्दी जाता है। अपने घर पे कोई मेहमान आएगा तो अपने पहले जाके खड़े हो जाएंगे, तो मेहमान आए तो अपने उनका स्वागत करें, यहाँ उल्टा था। मानसिंह जल्दी आ गया, अमर सिंह लेट आया। मानसिंह आगे बैठ गया, नौकर जाकर खड़े, खाना वाना रखा हुआ वहां पे, बोतले रखी हुई मानसिंह के लिए, कोई स्वागत के लिए पूरी। मानसिंह ने पूछा तुम्हारे आए नहीं अभी तक, राणा जी नहीं आए? तो कहा आ रहे हैं सर, बैठो बैठो बैठो, बस आ रहे हैं। मानसिंह बेटा थोड़ी देर और बैठ के, उसने कहा राणा जी कहाँ हैं? जब आ ही रहे हैं बस आ ही रहे हैं, लगा आ जाएंगे कोई नहीं। इतने में राणा जी तो आए नहीं, राणा जी की जगह पे आया अमर सिंह। कौन आया? ओ यूं दूर से यूं हलता डोलता ही आया आगे। मानसिंह को दूर से ही उसने किया, अंकल प्रणाम और कैसे हो? तो मानसिंह का वैसे दिमाग खराब हो गया यार, ठीक है। अमर सिंह सामने आके बैठा, टांग पे टांग दे गए, टांग लाग बुझे, और अंकल क्या समाचार है? तो वापस मानसिंह ने कहा कि राणा जी कहाँ रहे, तेरे पापा कहाँ? पापा पेट दर्द हो रहा है। अब मानसिंह झाल झाल उठी, वो हंस हंस कैसे बात करे, मुस्कुरा मुस्कुरा के कि वो समझ गया कि यार राणा जी मेरे से बात करने तो नहीं आए। वो तो डिनर सेट उछाल दिए, बदतमीजी करते हो मेरे से, लोग मानसिंह का छावा कहते हैं मुझे, पर मैं बता दूंगा तेरे बाप को, दोनों को पेट दर्द क्या होता है। और वहां से मानसिंह पेट ठोकता हुआ वहां से आगे बढ़ा। अमर सिंह और बदमाश, अमर सिंह ने पीछे से कहा अंकल ऐसे क्या नाराज हो गया, रुको तो अंकल एक बार, क्या रह गया अब तुम्हारे, कि वो क्या कहा था, आप क्या कर दोगे मेरे पापा का क्या कर दोगे? अरे कहा मैं युद्ध के मैदान में तेरे और तेरे बाप का पेट दर्द ठीक कर दूंगा,
उसने अकेले मतना फूंफा जी को साथ लेके आना। तो अकबर के साथ में मान सिंह की बुआ की शादी हो रखी थी, अकबर फूंफा जी लगता था, तो उसने कहा पेड़ दर्द ठीक करने हो तो अकेले मतना फूंफा जी को साथ लेना। और वो तो वो मान सिंह के पास, अमर सिंह के पास में एक मेवाड़ का एक बंदा और खड़ा था, प्रताप के भाई लगते थे कोई परिवार, वो खड़े थे। उन्होंने कहा था दी अकबर को साथ लेके आए तब तो मालपुरा में रोकेंगे, अकबर को साथ लेके तब तो कहां पे रोके, अकबर नहीं तुम अकेले आए तब तो तुम्हें मालपुरा में रोकेंगे। कहां पे रोकेंगे, टोंक में मालपुरा नाम की जगह पड़ती है, तुम अकेले आए तब तो तुम्हें मालपुरा में रोकेंगे, अकबर के साथ में तो जहां जी में वहां जाना वहीं रोकेंगे, तुम तो लेके आना इस बार अकेले मत आना। अब मानसिंह और बड़ा अजीब सा लगा कि ठीक चैलेंज कर रहे हैं ये तो। अब मानसिंह पैर में उसने मैं देख लूंगा तुम्हारे, मैं अकेला ही आऊंगा और मैं देखूंगा तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। वहां से वो वापस आगे बढ़ा, वापस उन्होंने अमर सिंह ने अंकल लास्ट एक बात और एक बात सुन जाओ फिर आप चले जाना, क्या रह गया आप तेरे। उसने हमारे पाली में एक जगह पड़ती है सोजत कि हाँ तो मैं क्या करूं कि वहां की मेहंदी को जीआई टैग मिला हुआ है, हाँ तो मैं क्या करूं कि बुआ जी के ले ले जाओ तो। मानसिंह झाड़ झाड़ खाया हुआ है। जून का महीना था जब मानसिंह यहां पे बातचीत करने के लिए आया था, गर्मी पड़े भयंकर वाले, और उसमें आपको कोई ऐसी बातें और कहे। मानसिंह यहां से पैर पीटते हुए गया अकबर के दरबार में, उसने अकबर कहा अभी कभी सेना चाहिए आ तो हाथ, इन मेवाड़ वालों को मैं बताऊंगा, इनकी खटिया नहीं खड़ी कर दी देख लेना। अरे बात क्या हुई, अरे बात तो हुई नहीं, क्यों नहीं हुई, प्रताप ने तुझे क्या कहा, प्रताप मिलने ही नहीं आया, क्यों मिलने नहीं आया, कि उसने कहा कि जब राजकुमार आया तो राजकुमार बात कर लेगा, और वो मेरे से बदतमीजी कर, मैं बता दूंगा उनको दोनों। अकबर इंटेलिजेंट बनता था, अकबर के समझ में आया कि बात तो सही है कि राजा नहीं गया तो राजा कैसे मिलेगा, राजकुमार गया तो उसे राजकुमार ही मिलेगा, इसका मतलब यदि राजा को भेजा जाए तो कौन मिलेगा उसे, उसने कहा भगवानदास जी, भगवानदास जी ने कहा समझ गया मैं, तैयार हो जाओ तो बैग तैयार, हम कहा बैग फेंक है अपना एकदम। अपने आदमियों को अकबर ने कहा कि मानसिंह को साइड में ले जाओ, माउंटेन ड्यू पिलाओ थोड़ा, और ऐसा नहीं करते सैने बच्चे हो साइड में आ जाओ। तो मानसिंह को तो साइड में भेजा, भगवानदास जी को मेवाड़ भेजा गया। इस बार सितंबर के महीने में भगवानदास जी बातचीत करने के लिए आए, भगवानदास जी यहां पर आए तो बाकायदा प्रताप मिलने के लिए आए। भगवानदास जी ने आगे समझाया कि देख प्रताप पार पड़नी नहीं है, अकबर एक बड़ा राजा है, हमने तो देख पहले ही संधि कर ली, तुम्हें भी अब संधि कर लेनी चाहिए। प्रताप ने कहा भगवानदास जी बात ऐसी है कि आज के 50 साल पहले मेरे दादाजी अकबर के दादाजी के खिलाफ लड़े थे, खानवा युद्ध में बाबर और सांगा लड़ रहे थे, वो अकबर का दादा है, ये किसके, प्रताप के दादाजी थे, और उस समय मेरे दादाजी ने राजस्थान के सभी राजाओं को लेटर लिखे थे कि हमारे अंडर लड़ने के लिए आओ, और आपके दादाजी पृथ्वीराज हमारी तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए थे, खानवा युद्ध में पृथ्वीराज लड़ता हुआ मारा गया था, मेरे हमारे झंडे के नीचे पूरा राजस्थान लड़ा था, अब चलो मेवाड़ में उतनी ताकत नहीं बची कि हमारे झंडे के नीचे सारे लड़े, आमेर वाले ज्यादा ताकतवर हो गए आजकल आप, पर आप अकबर के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दो, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन मुगलों के झंडे के नीचे मेरे से आज लड़ा जाए कल लड़ा जाए। भगवानदास जी ने कहा देख प्रताप, तेरे दादाजी की चक्री भी थोड़ी थोड़ी हिली हुई थी, मरवा दिया था कई लोगों को वहां, मैं नहीं लड़ूंगा यार, ऐसे ऐसे तू लड़ाइयों की बात मत किया अगर फालतू में, तो तुम मेवाड़ वाले यार ठीक लड़ाइयों के लिए तैयार रहते हो। तो प्रताप ने कहा तो किसने पीले चावल दिए आने के लिए, कभी बाप आ जाता है मुंह उठा के, कभी बेटा आ जाता है, तुम्हारे घर रहा करो, क्यों आते हो यहाँ पे समझाने के लिए। कुल मिला के भगवानदास जी को भी प्रताप ने साफ साफ मना किया कि मां दीनता स्वीकार। अकबर फिर धीरे जपनाता है, अकबर ने कहा नहीं वन मोर ट्राई, एक बार और देखा जाए, इस बार किसको भेजा गया, टोडरमल जी वित्त मंत्री आदमी थे, हिंदू और थे, तो कहा यार किसी हिंदू को भेजा जाए ठीक ही रहेगा, थोड़ा वित्त मंत्री टोडरमल जी आए। तो प्रताप ने फिर मुलाकात की, तो टोडरमल जी ने कहा कि देख प्रताप घर की सी बात बताऊं मैं तेरा पक्ष ले रहा हूं, तेरे को बात बता रहा हूं, मैं तो उसका वित्त मंत्री हूं अकबर का, और मुझे पता अकबर के पास में अथाह धन दौलत है, वो 100 साल भी लड़ाई करे तो भी उसके पैसे खत्म, तुम इतने रुपए कहां से लाओगे, लड़ाई करना बड़ी बात नहीं पर कितने साल कब तक बिना रुपए के संघर्ष कैसे किया जा सकता है, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं कि तुम संधि के लिए तैयार नहीं हो, वो तुम लड़ना चाहते हो, पर यार बिना पैसे के लड़ाई नहीं होती, और मुझे पता उसके पास ज्यादा पैसा है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इसलिए पार नहीं पड़ेगी। प्रताप ने कहा टोडरमल जी आप तो आराम से जीमो, खाना खाते टाइम बीच में नहीं बोलते, और ये चिंता मत करना कि पैसे कहां से आएंगे, अभी तक मेवाड़ के भामाशाह मरे नहीं है, पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा, हम अपनी तलवारों की धारों को तैयार कर रहे हैं, आप अकबर को कहो कि लड़ाई की तैयारी करें, हम लड़ाई करेंगे इसके अलावा कुछ नहीं। टोडरमल जी ने कहा थोड़ा बहुत कोई ऊपर नीचे हो तो, नहीं। कुल मिला के उसने 4 दूत आए थे, चारों को बेरंग लौटाया था, ये चीजें बताती है कि प्रताप कितना स्वाभिमानी रहा होगा।
कि चार बार अलग अलग तरीके से प्रयास किए गए, उसके बावजूद वो अकबर से संधि करने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार है। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब लास्ट उपाय क्या बचता है? युद्ध। यह युद्ध वो था जिसे आप तीसरी क्लास से पढ़ते आते हैं, ये हल्दी घाटी का युद्ध था। राजसमंद जिले में एक जगह पड़ती है, पहाड़ियों के बीच की एक जगह जहां की मिट्टी थोड़ी हल्दी जैसी पीली है, इसलिए नाम ही पड़ गया उस जगह का हल्दी घाटी। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। कब वो हल्दी घाटी का युद्ध? 18 जून 1576। अच्छा, कभी आपसे कोई पूछेगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ तो आपने कब बताना 18 जून 1576। राजसमंद हल्दी घाटी पड़ता है। अपने एक इतिहासकार हुए गोपीनाथ शर्मा, क्या नाम इतिहासकार का? गोपीनाथ शर्मा। इसकी डेट बताते हैं 21। क्या बताते हैं? तो कोई स्पेसिफिक कभी आपसे पूछे गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 21 जून। नॉर्मली पूछे हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी, कब हुई थी? प्रताप वर्सेज अकबर। किस किस के बीच में? प्रताप के और अकबर। अच्छा, मुगल बादशाह खुद कभी युद्ध में जाते नहीं थे, ये मैंने आपको एक दो बार पहले ही बात बताई थी ना, अक्सर वो अपने सेनापति को भेज दिया करते थे। अकबर अजमेर तक साथ में आया था, सेना के साथ में कहां तक आया था? अजमेर के बाद उसने मानसिंह को कहा था कि जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। तो आगे लड़ने के लिए कौन गया था बाद में? मानसिंह को पहली बार किसी युद्ध में सेनापति बनाया गया था, तो वो युद्ध हल्दी घाटी है। उरी मूवी देखी है? उरी। अच्छा, ऐसे कितने लोग जिन्होंने उरी मूवी नहीं देखी? आपकी कल क्लास में एंट्री बैनर है, उरी देख के ना, वरना क्लास में नहीं घुसने दूंगा मैं। मतलब उरी नहीं देखो तो भारत में रहने के अधिकार छीन लिए जाने चाहिए, नागरिकता खत्म हो जाएगी आपकी, देख लेना। तो उरी मूवी में एक डायलॉग है, जब विक्की कौशल को पूछा जाता है कि जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो कौन सी रेजिमेंट को भेजा जाए, कौन सी रेजिमेंट लड़ने के लिए जाए, उसने कहा वो रेजिमेंट जिस पर हमला हुआ था, उस रेजिमेंट के जवानों को भेजा जाएगा जिस रेजिमेंट के जवानों पर क्या हुआ था, क्यों उसी को क्यों भेजा जाए। उनका उसके सेंटिमेंट्स ज्यादा जुड़े हुए इनके साथ में, उनको लगता है हमारे साथियों को मारा था, उनकी वो अपमानित महसूस करते हैं, ह्यूमिलिएट महसूस करते हैं। पर कई बार अग्रेशन को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देना चाहिए, उनका अग्रेशन है वो अग्रेशन काम आएगा। अकबर एग्जैक्टली यहां पर यही काम ले रहा था, क्योंकि अपमानित किसको किया गया था, इसलिए पहली बार इतने बड़े युद्ध के अंदर, मतलब महत्वपूर्ण युद्ध के अंदर, एक ऐसे सेनापति को भेजा जा रहा था जो इससे पहले कभी भी आपका सेनापति नहीं रहा था। किसको भेजा गया था? तो मानसिंह को पहली बार इसी में सेनापति बना के भेजा गया। साथ में एक सेनापति और भेजा गया, आसफ खान। कौन भेजा गया था? तो अकबर की तरफ से दो सेनापति आए, कौन कौन? सुन लो एक बार, बाद में एक साथ लिख लेना आप। कोई पूछे कि मानसिंह को पहली बार कौन से युद्ध में सेनापति बनाया गया, तो कौन से युद्ध में? फर्स्ट टाइम कमांडर बनाया गया था उसको हल्दी घाटी के अंदर। अच्छा, इधर प्रताप भी जानते थे इस बात को, वह बड़ी लड़ाई है, इसलिए वे लोग जो मुगलों के खिलाफ है उनको जोड़ा जाए, जैसे सांगा ने किया था। अफगान मुगलों के खिलाफ थे इसलिए अफगानों को अपनी साइड के अंदर ले लिया। अच्छा, मेवाड़ वालों के हरावल में हमेशा कौन रहेंगे? सलूम्बर वाले। तो सलूम्बर के तो कौन थे? कृष्णदास। वो तो आने ही थे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो कृष्णदास चुंडावत आ गए भाई। कहां के थे कृष्णदास चुंडावत? सलूम्बर के हुआ करते। एक ग्वालियर का एक राजा हुआ करता था, रामसाद तोमर। ग्वालियर का राजा कौन था? रामसाद तोमर की अकबर की नहीं बन रही थी, तो रामसाद तोमर अकबर के खिलाफ चल रहा है, और रामसाद तोमर प्रताप का रिश्तेदार और था। रामसाद तोमर के बेटे की शादी प्रताप की बहन के साथ हो रखी थी, तो रिश्तेदार भी था। तो मैसेज किया उधर, आप रिश्तेदार हो वैसे भी साथ देने आओगे, और दूसरी बात तुम्हारी अकबर से बनती नहीं है, मैं अकबर के खिलाफ लड़ रहा हूं तो आ जाओ। तो ग्वालियर से लड़ने के लिए कौन आए थे? अफगानों की और मुगलों की आपस में कभी नहीं बनती थी, अफगान और मुगल हमेशा एक दूसरे खून के पैसे रहते थे, क्योंकि अफगानों को हमेशा ये लगता था कि पहले जब हमारा राज था भारत में तो आके किसने खत्म किया? मुगलों। और अफगानों का इन दिनों में एक नेता था हाकिम खान सूर। कौन नेता था? हाकिम खान सूर को समाचार पहुंचे कि साहब प्रताप लड़ रहा है अब मुगलों के खिलाफ। हाकिम खान सूर आया और उसने कहा साहब यदि आप मुगलों के खिलाफ लड़ रहे तो मैं लड़ने के लिए तैयार, और अब एकदम आगे खड़ा करूं, मैं बताऊंगा मुगलों क्या कर सकता हूं। प्रताप ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हरावल के अंदर लड़िए। तो हाकिम खान सूर किसकी सेना लेके आया? अफगानों। कौन सी सेना के साथ है? अच्छा, एक यहां को सामंत हुआ करते थे राणा पुंजा। कौन हुआ करते? भौमट वाले क्षेत्र में भील रहा करते थे, उन भीलों की सेना लेके कौन आए थे? राणा पुंजा। घाटी का मतलब था पहाड़ों के बीच की जगह, पहाड़ों के बीच की जो जगह हुआ करती थी उसको क्या बोला करते थे? दोनों तरफ पहाड़, बीच के अंदर दर्रा था, दर्रा समझते हो, पास, बीच में एक पास था। मेवाड़ वाले इस बात को जानते थे कि अपनी सेना कम है और अकबर की सेना ज्यादा है। अच्छा, सेना बराबर हो तब तो मैदान में लड़ा जाए,
बराबरी का मुकाबला तो मैदान के अंदर ही किया जा सकता है, लेकिन आपकी सेना कम और दुश्मन की सेना ज्यादा हो तो पहाड़ों में लड़ा जाए। फिर लड़ने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं छापा मार। क्या बोलते हैं? गुरिल्ला टैक्टिक। क्या बोलते हैं? गुरिल्ला टैक्टिक बोलते हैं। तो यार अपने गुरिल्ला टैक्टिक से लड़ लिया जाए, अपने छापा मार युद्ध तरीके से लड़ लिया जाए। तो छापा मार युद्ध कर रहे थे वो। इधर से मेवाड़ वाले पहले से अपनी सेना लगा के इधर तैयार खड़े हुए, दर्रे के इधर। दर्रे में पूरी सेना कभी भी एक साथ नहीं घुस सकती, पूरी सेना कभी भी मेवाड़ वालों की पूरी सेना एक साथ तो आएगी नहीं, थोड़े थोड़े सैनिक आएंगे, थोड़े थोड़े सैनिक आएंगे। तो अपने इधर पोजीशन लेके पहले से तैयार रहो, जैसे 100 सैनिक घुसे 200 घुसे उन पर आक्रमण करो। मुगलों की हालत खराब कर दी थी इस दर्रे के अंदर। जैसे मुगल इस दर्रे के अंदर घुसते ये पहले से तैयार थे, भाई आपने तो पोजीशन ले रखी है, अगला बंदा तो पोजीशन लेगा आके, और वो पोजीशन ले उससे पहले तो आप मार रहे थे। जैसे शुरुआत का युद्ध शुरू होता है, शुरुआत के युद्ध के अंदर ही इतना बुरी तरीके से मारते हैं मेवाड़ वाले, कहते मुगलों की सेना 16 मील वापस भागी थी। 16 मील किसको? बनास नदी का कांठा है, तो बनास नदी के कांठे कांठे 16 मील तक वापस भागे थे मुगल। वापस जाते जाते एक सैनिक था मुगलों की तरफ से, मिहत्तर खां। कौन सैनिक था वो? बेचारा चिल्लाया, वो कोई लास्ट में खड़ा था, लास्ट में उसने देखा अपने वाले तो सारे भाग रहे हैं। उसने पूछा पीछे, अरे भाई हुआ क्या? तो कह रहे मार रहे हैं उधर और आगे पार नहीं पड़ रही अपने दर्रे के उधर, वो तैयार खड़े हैं सारे के सारे। तो उसने बेचारे ने पीछे से शोर मचाना शुरू किया, अरे ऐसे मत भागो रे, अकबर खुद आ रहा है, बड़ी सेना आ रही है और आ रही है अपने पास में सेना। तो थोड़े लोगों के कदम जमे, एक तो डर से कि बादशाह खुद आ रहा है, और बादशाह को पता चलेगा भाग गए तो बादशाह बेइज्जती करेगा, बादशाह मारेगा अपने को। फिर जब ये पता चलता है कि अपने इतने ही नहीं और पीछे से आ रहे हैं, थोड़ा हौसला जमता है, लड़ेंगे, पीछे सेना तो और आ ही रही है। मुगल जैसे तैसे करके लड़ने लगे। तो अब जब ये मुगल वापस भागे तो मेवाड़ वाले इनके पीछे भागे, तो दर्रा क्रॉस कर गए तो बाहर के आ गए आपके मैदान। अब लड़ाई उसके बाद मैदान के अंदर होने लगी। जब मैदान में लड़ाई हो रही थी तो महाराणा प्रताप ने देखा कि मानसिंह अपने हाथी पे बैठ के लड़ रहा था। उसके हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? उस मर्दाना नाम के हाथी पे बैठ के लड़ रहा था। तो प्रताप को और गुस्सा है, और प्रताप को लगा ये काम ठीक है, ये आमेर वाले बाप बेटे कभी तो समझाने आ जाते, और इस बार मानसिंह सेनापति बन के आ गया। उसको गुस्सा मानसिंह पे तो था ही, प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक को एकदम उस हाथी के पास में ले जाता है। चेतक बड़ा समझदार घोड़ा था, हालांकि मानसिंह के आसपास में खूब सारी सिक्योरिटी लगा रखी थी, पर प्रताप उनको काटते पीटते एकदम घोड़े को वहां पास में ले जाते हैं। घोड़ा इतना समझदार था कि चेतक अपने अगले दोनों पैर हाथी की सूंड पे लगा देता है, मतलब पिछले दोनों पैर पे खड़ा हो जाता है वो। प्रताप के पास में भाला था। ज्यादातर लोगों ने आपने कहानियां पढ़ी है कि प्रताप मानसिंह पर भाला मारता है, मानसिंह उस हाथी की होदी में नीचे बैठ जाता है तो भाला उसके ऊपर से निकल जाता है। मानसिंह बच गया भाले के प्रहार से, पर मानसिंह और योग्य सेनापति था, उसने अपने हाथी की सूंड में एक चाकू लगा रखा था। जब चेतक अगले पैर वापस उतार रहा था तो अगले वाले दोनों खुर उस चाकू में रह गए, पैर कट गए थे उसके दोनों अगले वाले। अब वो पैर तो उसने उतार लिए, पर अब घोड़ा बेचारा चले कैसे? भाई आपके पैर में कट भी लगा दे कोई तो भी आपसे दौड़ा तो कैसे जाएगा? अब वो कट लग गए उसके, अब उसे चला नहीं। महाराणा प्रताप को लगा अचानक क्या हुआ, इतनी देर तक घोड़ा सरपट दौड़ रहा था, अब अचानक घोड़े से तो बाहर ही नहीं निकला जा रहा है। उसने नीचे की तरफ देखा तो घोड़े के अगले दोनों पैर कटे। उसने जैसे तैसे करके घोड़े को युद्ध भूमि से बाहर निकाला। भाई घोड़ा जाएगा यार, तो उसे युद्ध भूमि से बाहर निकाला। मेवाड़ के अंदर रीति थी कि राजा किसी भी कारण से यदि युद्ध भूमि से बाहर जाता है तो कोई ना कोई सादड़ी का झाला आके युद्ध को लीड करेगा। खानवा युद्ध में जब सांगा बाहर गए थे तो सादड़ी का झाला अज्जाल, इस बार झाला था मानसिंह। कौन था झाला? इसका नाम ही मानसिंह था। दोनों नाम मिलते हैं, झाला मानसिंह भी मिलता है, यहां मिलता है झाला बिद्दा। झाला तो सरनेम है, मान या बिद्दा इनके नाम थे। तो जैसे ही कहा गया भाई प्रताप युद्ध भूमि से बाहर, वो उस चेतक को लेके बाहर निकल रहे हैं, तो युद्ध को लीड करने की वो राजा वाला मुकुट लेके कौन लड़ा करता था वहां पे? झाला मानिया झाला बिद्दा। चेतक को जैसे थोड़ा सा बाहर लेके गए, बाहर जाते चेतक मर गया। वो इसीलिए उसका अंतिम समय था, इसलिए उसको बाहर लेके गए थे कि यार घोड़ा इनके बीच में तो कैसे छोड़ा जाए, इतना स्वामी भक्त घोड़ा अपना। बाहर लेके गए हल्दीघाटी से, बाहर निकलते चेतक मर जाता है। वहां पर एक जगह बलीचा, कौन सी जगह? वहां पर चेतक की छतरी है, वही राजसमंद में जगह पड़ती है हल्दीघाटी के पास में, है ना। पर प्रताप भले ही चेतक को लेके बाहर निकलो, लेकिन तब तक युद्ध का रिजल्ट आ चुका था। मुगल भयंकर तरीके से आ रहे थे इस युद्ध के अंदर। मानसिंह और अपनी सेना लेके वापस पीछे निकलते हैं, गोगुंदा की तरफ चले गए थे। किधर चले गए थे मैं आगे बताऊंगा। एक राइटर हुआ बदायूनी, जो इस युद्ध में खुद आया हुआ था। बदायूनी कहता है कि हम इतना डर रहे थे, इतना भयंकर डर रहे थे कि जब गोगुंदा में जाके रुके थे तो हमें डर था कि रात को प्रताप वापस आक्रमण कर देगा, पर हम रात को भी यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमने गोगुंदा में जहां पर हम रुके थे चारों तरफ ऊंची ऊंची चार दीवारी की, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पत्थर लगाए हमने, और रात को पूरी रात जागते बैठे रहे कि अचानक हमला नहीं हो जाए। और सुबह वापस हम वहां से अजमेर की तरफ रवाना हुए। बदायूं ने कहता है जब हम अजमेर की तरफ रवाना हुए थे, एक तो जून का महीना भयंकर वाली गर्मी पड़े,
और फिर भीलों के गांव से होकर हमें जाना था। गोकुंदा साइड में भील रहते हैं और भील महाराणा प्रताप के बेहतरीन स्वामी भक्त थे कि एक एक गांव के अंदर हम पर हमले किए जा रहे थे। यदि हमारा 5-7 आदमी कहीं थोड़े से पीछे रहे, भाई सेना पूरी साथ चल रही है तो सारे एक साथ तो कैसे चल सकते हैं। 10 आदमी पीछे चल रहे हैं, कोई 5 आदमी, फिर 100 आदमी, फिर 200 आदमी पीछे, यदि कोई 5 आदमी अकेले रह गए भील उनको मार दिया करते। यदि हम किसी गांव के अंदर कोई पानी लेने के लिए जाते वहां भील पकड़ के मार दिया करते हमें। भीलों ने हमारी रसद छीन ली थी, अनाज वाली टुकड़ी जो चल रही थी भील पड़े जो अनाज छीन के भाग गए। बदायूं कहता हमने जैसे तैसे करके अल्लाह अल्लाह का नाम लेके अजमेर का रास्ता लिया था। इतनी भयंकर तरीके से यहाँ पर मात दी थी। मानसिंह और आसफ खान दोनों वहां पर पहुंचे अकबर के पास में। अकबर ने जाते ही पूछा मानसिंह को, हाँ भाई मानसिंह पकड़ लाया प्रताप को, तो मार दिया उसको, नहीं तो उसने संधि कर ली अपने से, नहीं तो क्या सोच कर आए थे कि सरदार खुश होगा। उसने कहा मानसिंह और आसफ खान कहा कि तुम दोनों आज के बाद मुझे दिखाई देगा ना टांगे तोड़ूंगा तुम दोनों के, आसपास मत पटक जाना तुम। अरे कहा सर सुनो तो सही, सुन ली बात, मैं जा रहा हूं देखो और मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे पकड़ा जाता है। तो ठीक है आप जाके देख लो। इस युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कई नाम दिए। अबुल फजल इसको कहता है खमनोर का युद्ध। क्या कहता है? वहां कुंभलगढ़ के पास में खमनोर की पहाड़ी है, आगे आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे यहां से हमारी बनास नदी निकलती है। अभी मैं कह रहा था बनास के पास पास में भागे थे ये लोग, तो वहां खमनोर की पहाड़ियां हैं। तो उसने कहा भाई खमनोर का युद्ध था। बदायूं नहीं कहता है कि नहीं गोगुंदा का युद्ध था। क्या नाम देता है? तो ये खमनोर और गोगुंदा के बीच की जगह है हल्दीघाटी। तो एक साइड ने इधर वाली पहाड़ियों का नाम बता दिया और एक ने इधर वाली पहाड़ियों का नाम बता दिया, तो बैटल ऑफ खमनोर और बैटल ऑफ गोगुंदा। आदर्शीलाल श्रीवास्तव बाद में अपने एक राष्ट्रवादी इतिहासकार में वो कहते हैं नहीं ये हल्दीघाटी वाली जगह हुआ ही नहीं था, ये से थोड़ी सी आगे की तरफ एक जगह बादशाह बाग, तो कहते हैं बादशाह बाग नाम की जगह पे हुआ था। तो वो इन्होंने इस युद्ध को नाम दे दिया बादशाह बाग का युद्ध, बैटल ऑफ बादशाह बाग, जगह का नाम है बादशाह बाग, बादशाह बाग का युद्ध। जेम्सटोन यूरोप का था इसलिए अपने यूरोप के युद्ध से इसकी तुलना करता है। वो कहता हमारे यूरोप में ऐसा कैसा युद्ध हुआ था, थर्मोपोली का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? जैसे तुम्हारे मेवाड़ में कौन सा हुआ है? हल्दीघाटी। तो वो कहता हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मोपोली है, थर्मोपोली ऑफ मेवाड़। उनके यूरोप में थर्मोपोली नाम की एक जगह है, वो कहता हमारे थर्मोपोली में जैसा युद्ध हुआ था वैसा युद्ध तुम्हारे हल्दीघाटी में हुआ था, इसलिए तुम्हारी हल्दीघाटी मेवाड़ की क्या है? थर्मोपोल। ये दोनों अबुल फजल और बदायूनी दोनों अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? अकबर के। इनमें बदायूनी इस युद्ध में भाग लेता है। बदायूनी के लिए कहते हैं कि बदायूनी थोड़ा कट्टर मुसलमान टाइप का बंदा था, तो इस युद्ध के लिए जब रवाना हो रही थी सेना तो बदायूनी ने कहा मैं भी चलूंगा। तो लोगों ने कहा यार बदायूनी तू पेन वेन चलाने वाला बंदा, उधर तलवार चलेगी, तलवार फालतू में देश के काम आ जाएगा, क्या लाएगा वहां पे? उसने कहा नहीं, जब वहां हिंदुओं का खून बहेगा तो मैं अपनी दाढ़ी के लगाऊंगा, मुझे दाढ़ी लाल करनी है काफिरों के खून से। तो कहा चल, खून खूब बहेगा वहां, दाढ़ी आराम से रंग लेना तू। तो बदायूनी लिखता है कि मैं तो इसलिए आया था। तो बदायूनी कहता मैं पीछे खड़ा था थोड़ा, जब युद्ध शुरू हुआ, शुरू होते ही मेवाड़ वालों का हमला इतना भयंकर था कि मेवाड़ वालों ने जब मारना शुरू किया तो हमारे सैनिक भागने लगे, तो हमारे सैनिक भाग रहे थे तो उनके पीछे मेवाड़ के सैनिक भाग रहे थे। तो मेरे ये नहीं समझ में आ गया अब तीर किस पे चलाऊं, भाई हमारे वाले भी इधर ही भाग रहे, मैं यहां खड़ा हूं, हमारे वाले भाग रहे, उनके पीछे कौन भाग रहे? मेवाड़ वाले भाग रहे। तो मैंने नकीब खान से पूछा, पास में कोई सेनापति था दूसरा, यार तीर किस पे चलाया जाए, ये तो ये भी अपनी तरफ ही आ रहे हैं, मेवाड़ वाले भी अपनी तरफ ही आ रहे हैं। नकीब खान ने कहा कि बदायूनी तुम तो आंख बंद करके तीर चलाओ, मरेंगे दोनों साइड से काफिर, क्योंकि मानसिंह की सेना आगे आगे लड़ रही थी, मानसिंह की सेना में थे तो हिंदू ही सारे के सारे। तो उसने कहा तेरा लक्ष्य तो पूरा हो ही जाएगा, दोनों तरफ से हिंदू तो मर ही जाएंगे, तेरे को दाढ़ी रंगनी है, तू दाढ़ी तो रंगी लेगा आराम से। तो बदायूनी कहता भाई साहब अपने तो आंख मीच के तीर चलाने शुरू किए, इतने पता चला कि मेवाड़ वाले अपने नजदीक आ गए तो अपने चप्पलें हाथ में ली उतर, अपने आसपास में नहीं रुके थे। तो बदायूनी युद्ध का बड़ा गजब वर्णन करता है। तो कौन सा इतिहासकार युद्ध के मैदान में आया हुआ था? बदायूनी। तो बदायूनी ने क्या कहा था इस युद्ध को? अरे मंत का बुत तवारीक नहीं, गोगुंदा का युद्ध। क्या कहा था? ये नहीं कि आज घर पे जाओ और मम्मी के खाना खा ले आपको, मंत का बुत तवारीक। कोई पूछे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मंत का बुत। आज मैं एक ही नाम याद करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। कि बदायूनी युद्ध को क्या कहा था कि मंत का बुत तवारीक। अच्छा कौन कौन से दो पक्ष लड़ रहे हैं जिसमें? एक तो लड़ रहे हैं मुगल, अरे कौन से लड़ रहे हैं? मेवाड़। कौन लड़ रहा? सुनना देखो, इस युद्ध से पहले मुगलों ने जो अपना मिलिट्री कैंप लगाया था, मुगलों का जो सैनिक शिविर था, मुगलों का सैनिक शिविर वो था राजसमंद में, गांव पड़ता है मोलेला। कौन सा गांव था? आगे हम पढ़ेंगे यहां की टेराकोटा नाथद्वारा के पास में ना। और मेवाड़ वालों की सेना जिस गांव में रुकी हुई थी उस गांव का नाम था लोसिंग।
कौन सा गांव था? वही राजसमंद में हल्दीघाटी के पास में एक गांव मोलेला, यहाँ पे मुगलों की सेना रुकी होगी, और मेवाड़ वालों की सेना कहाँ रुकी होगी? लॉस। अच्छा, मुगलों का एक इतिहासकार युद्ध के मैदान में खुद ही आया हुआ था, बताओ कौन? बदायूनी। अच्छा, बदायूनी कहता है कि मेवाड़ वालों के सॉरी मुगलों के पास में 5,000 फौजी थे। कितने फौजी थे? और वो कहता मेवाड़ वालों के पास में 3,000 थे। मेवाड़ वालों के पास में कितने थे? 3,000 थे। अच्छा, मैंने एक श्यामलदास जी बताए थे, मेवाड़ वालों के एक कवि हुए, वीर विनोद लिखे ना श्यामलदास जी, 1880 में। कब हुए? लगभग 1880। घटना कब की? 1576, मतलब घटना के 300 साल बाद। तो ये वीर विनोद में लिखते हैं कि मुगलों की तरफ से 80,000 फौजी थे। कितने फौजी थे? और हमारी तरफ से थे 20,000। कितने थे? तो 300 सालों में संख्या तो बढ़ी जाती है ना? नहीं है, यूं कोई कहानी सुनाता तो पहले किसी ने कहा भाई 3,000 फौजी थे, बाद किसी ने कहा बहुत बड़ी सेना आई थी, कि बहुत कितने 50,000 फौजी आए थे। यूं करते करते यहां तक आते आते कितने आगे? तो श्यामलदास जी कितने बताते हैं उनकी तरफ से, तो और इधर से कितने थे? 20,000। पर हम बदायूनी वाली बात को सही मानते हैं, वो तो खुद ही था, वो तो वही था, तो उसको थोड़ी सटीक बातें पता होगा। एग्जैक्टली संख्या नहीं पता हो, पर लगभग अंदाजा उसका ज्यादा सही रहा होगा। फिर वो मुगलों की तरफ से आया तो उधर तो कह के भेजा होगा भाई कितने फौजी जा रहे हो? 5,000। उधर वालों की जानकारी प्राप्त की होगी यार कितने एक हैं, तो कहा आधे एक हैं यार अपने, तो उधर वाले कितने आपके? 3,000। अच्छा, ये युद्ध हाथियों की लड़ाई है, इसमें हाथी खूब सारे लड़े थे। वैसे अपने यहाँ पे हाथी ज्यादा ही लड़ा करते थे। इधर मुगलों की तरफ से एक तो मानसिंह वाला हाथी मैं बताई रहा था आपको, मर्दाना, एक हाथी और था गजमुक्ता। कौन सा हाथी था? इधर मेवाड़ वालों की तरफ से दो हाथी लड़ रहे थे, एक हाथी का नाम था लूणा, एक हाथी का नाम था रामप्रसाद। क्या नाम था? और अपने किताबों वालों के और मजे कि रामप्रसाद को मुगलों ने पकड़ लिया। भाई लड़ते लड़ते हाथी का महावत मर गया, हाथी का महावत मर गया, हाथी अकेला, तो मुगलों ने उसको पकड़ लिया। और अकबर ने कहा क्या नाम है तेरा? उसने कहा साहब रामप्रसाद। अच्छा, अब इधर मानसिंह आसफ खान हार के गए, तो अकबर को बड़ा गुस्सा आया। अकबर ने कहा मैं खुद मेवाड़ पे हमला करूंगा और प्रताप को पकड़ के लेके आऊंगा। ये प्रताप अपन पहले से अपनी पहाड़ियों के अंदर सेट होके बैठ रखे थे कि पहाड़ियों में आएगा तब तो मार लेंगे, बाहर अपने मैदान में जाना है क्यों, अपनी सेना कम है, दुश्मन की सेना ज्यादा। अकबर ही उदयपुर के आसपास में आके अपने कैंप लगाता है और अपनी सेना कहता है कि जाओ पहाड़ियों में पकड़ के। सैनिकों को डर लगे, सैनिकों को बताता पहाड़ियों में गए नहीं, भीलों ने मारा नहीं, और भील तीर कमान लेके भगवान जाने पेड़ों पर किधर किधर बैठे हुए, आप जाओ और सरसराता हुआ तीर आए कहीं से, तो इनको वैसे डर लगता था कि यार मर जाएंगे पालतू। कोई छोटी बहुत टुकड़ी गई मेवाड़ वालों ने मार लिया, तो मुगल अंदर पहाड़ियों में जाने से डरने लग गए। अकबर ने एक दो बार पूछा भी कि तुम पहाड़ियों में क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं ढूंढ पाते उसको? उन सैनिकों ने कहा साहब हम मुगल हैं, गूगल थोड़ी है भाई, हमें क्या पता यार लोकेशन कहाँ है कहाँ नहीं है। फाइनली अकबर पहाड़ों के अंदर जा ही नहीं पाए। अकबर उदयपुर पे कब्जा करता, कहाँ पे कब्जा करता? और उदयपुर का नाम बदल कर देता मुहम्मदाबाद। क्या कर देता? और मानसिंह के एक अंकल हुआ करते थे जगन्नाथ कछवाहा। अंकल कौन थे? जगन्नाथ कछवाहा। इन जगन्नाथ कछवाहा को उसने कहा तू उदयपुर संभाल। एक तो जगन्नाथ कछवाहा और एक बंदे और थे फखरुद्दीन। क्या नाम था? इन दोनों को उदयपुर दिया। उदयपुर देने के बाद अब अकबर ने दिमाग लगाया कि यार ऐसा मेवाड़ वालों के पास क्या है कि झुकने के लिए तैयार नहीं है। पता चला साहब आसपास की रियासतें मेवाड़ वालों की मदद कर रही है। आसपास की रियासतें कौन की? डूंगरपुर बांसवाड़ा। कौन कर रही है? अकबर ने कहा मेवाड़ को छोड़ो, इन पर आक्रमण करो। रहे पहले तो सेनापति चेंज किया यहाँ पे। अच्छा, अकबर जब यहाँ से गया वापस गया तो मानसिंह और आसफ खान तैयार खड़े थे। मानसिंह आसफ खान ने कहा कि वो कहाँ है प्रताप? हमने सुना पकड़ लाया आप, जंजीरों में बंधा हुआ है। अकबर ने कहा थप्पड़ मारूंगा, कल से दरबार में आ जाना दोनों। तुमने हमने पहले ही कहा था तेरे को, तू ही पंचायती कर रहा था। इस बार एक नया सेनापति भेजा गया शाहबाज खान। कौन था? मुगलों का एक बेहतरीन कमांडर था शाहबाज खान। शाहबाज खान को उतारा कि शाहबाज खान तुम जाओ और तुम जाके पकड़ के लेके। उन दिनों महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ के किले में थे। कौन से किले में? शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण करता है। कितने आक्रमण करता है? पार नहीं पड़ी। एक बार बीच में शाहबाज खान 78 वाले हमले में कब्जा भी करता है कुंभलगढ़ पे। जैसे ही शाहबाज खान की बड़ी सेना आई, प्रताप को लगा पार नहीं पड़ेगी, तो कुंभलगढ़ खाली करके वापस पहाड़ों में चले गए। शाहबाज खान कुंभलगढ़ के अंदर रहने लगता है। एक दिन प्रताप वापस एक बड़ा हमला करते हैं, शाहबाज खान को निकाल के वापस कब्जा कर लेते हैं। कुल मिला के शाहबाज खान कुंभलगढ़ किले पर ढंग से कब्जा। तो अकबर ने फिर सेनापति चेंज किया। इस बार एक सेनापति भेजे गए अब्दुल रहीम। कौन सेनापति भेजे गए? ये रहीम जी वही है जिनके बचपन से आपने दोहे सुने, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। इन रहीम जी को भेजा गया, रहीम तुम जाओ और प्रताप को पकड़ के ले गए। रहीम जी ने कहा मैं प्रेम के दोहे लिखने वाला आदमी
का तलवारें वलवारें चलाने के लिए भेज रहे हो। पर रहीम जी बेहतरीन योद्धा थे। रहीम जी जितने अच्छे कवि थे उतने बहादुर योद्धा हुआ करते। तो रहीम जी को भेजा गया। पर रहीम जी का मेवाड़ वालों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर था। रहीम जी को यह लगता था कि नहीं यार, अकबर फालतू का पंगा ले रहा है, मेवाड़ वालों की क्या गलती है, ऐसे क्या आक्रमण करना है, अगले अलग बैठे तो बैठे रहेंगे। तो रहीम जी यहां उदयपुर में एक जगह पड़ती थी शेरपुर। कौन सी जगह? पहाड़ियों में कोई शेरपुर नाम की जगह थी, वहां पर आके बैठ गए, हमला ही नहीं किया। अच्छा, जब भी कोई सेनापति, बड़ा सेनापति आता था ना, लंबे टाइम के लिए किसी सेनापति को भेजते, तो परिवार को साथ लेके आता। तो रहीम जी के लुगाई टाबरन सब साथ में आए हुए थे। तो आपने लुगाई टाबरों के कैंप लगाए अलग से, रहीम जी ने अपने कैंप लगाए, चुपचाप बैठे हुए, सुबह शाम जाके शिकार खेल के वापस आ जाए। अरावली की पहाड़ियों में शिकार की कमी नहीं थी। और अकबर को लेटर लिख के भेज दे कि आज हमने प्रताप पर हमला किया लेकिन प्रताप पकड़ में नहीं आया। अकबर क्या कहे? अकबर यही कहे वेल ट्राई, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इस बार पक्का तुम पकड़ लोगे। अकबर ये तो पूछ भी नहीं सकता कि क्यों नहीं पकड़ पाए, क्योंकि यदि वो ये कह दे भाई क्यों नहीं पकड़ पाए, तो रहीम जी वापस लिख दे भाई मान सिंह आसफ खान तूर शाहबाज खान मिलके बता दो कैसे पकड़ना है। तो अकबर कहता वेल ट्राई रहीम, वेल ट्राई, लगे रहो डटे रहो जवानों अपने एकदम वहां पे। अब रहीम जी अपने यहां पर, तो इधर प्रताप ने देखा कि यार उधर से हमले होने बंद हो गए, हमले होने बंद हो। प्रताप ने पूछा क्या हुआ रे, मुगलों की तरफ से आजकल आक्रमण नहीं हो रहे कि साहब? उधर से रहीम जी आए हुए। तो रहीम जी आक्रमण कर ही नहीं रहे, अपने कैंप लगा के शांति से बैठे हुए। क्या बात करते हो, कोई आक्रमण नहीं उनकी तरफ से? नहीं, सब तैयारी नहीं है, वो शिकार खेलने जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। तो प्रताप पर ये भी पहाड़ियों से बाहर है, अनाज इकट्ठा करना शुरू किया। तो पहाड़ियों में रहोगे तो खाओगे क्या? अनाज इकट्ठा करना शुरू किया, हथियार और बनाने शुरू किए, पैसे टक्के इधर से जो टैक्स वगैरह लेना था वो लेना शुरू किया कि वापस लड़ाई है तो उसकी तैयारी तो की जाए। ये गैप है एक प्रकार से, संघर्ष विराम संघर्ष है, बीच में अपने को थोड़ा रेस्ट मिला, इस रेस्ट में अपनी तैयारियों को और अच्छे से किया जाए। वही बात, शांति काल में आप तैयारी करोगे तो युद्ध काल में ठीक रहेगा, तो अपने शांति काल में तैयारी की जाए। ये अपनी तैयारियां कर रहे थे। प्रताप के बेटे थे अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह को एक दिन मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ सुबह सुबह, और उसने देखा कि रहीम जी के जो कैंप थे वो खाली पड़े, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो मुगल गए रातों रात ही छोड़ के चले गए, वो कैंप के नजदीक ही चला गया। पर बाहर जाकर आवाज लगा, भाई रेमंकल रेमंकल किधर है? अंदर से महिलाओं की आवाज आई, कहा रहीम जी घर पे नहीं है। तो उसने कहा और कोई पुरुष है तो उसको बाहर भेजो, मुझे बात करनी है। तो उनका घर पे कोई पुरुष नहीं है, सब शिकार करने के लिए गए। उसने कहा सच्ची? बाहर आ जाओ सारी की सारी। वो सबको गिरफ्तार कर लेता है। उसने कहा फॉलो मी, पीछे पीछे आओ। महिलाएं बापड़ी रोए करलाए उसके पीछे पीछे, डाकी लेके कहां जा रहा है हमको? उसने कहा नहीं नहीं तुम मेरे पीछे पीछे आओ। आगे महाराणा प्रताप खड़े हुए सामने, महाराणा प्रताप देखे अमर सिंह आगे आ गए, मस्ती से चलता हुआ आ रहा, पीछे बेचारी महिलाएं रोती हुए आए कि मत लेके जान छोड़ जा हमें। वो कहे नहीं नहीं बस चलो थोड़ा सा दूर है, ये आ गया अपना घर, आराम से रहेंगे वहां पे अपने। आते प्रताप ने पूछा भाई है कौन ये? तो उसने कहा डैडी आप साइड में जाओ, मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे, बता कौन है? उसने कहा रहीम अंकल है ना, रहीम जी। कहा तो शिकार खेलने गए थे तो मैंने कर लिया। मैं कर लाया आज से। अच्छा प्रताप को पूरी घटना पता चली तो उसने उसको कहा कि बदतमीज फालतू की बात करता है, और महिलाओं कहा कि रोने घबराने की कतई आवश्यकता नहीं, आप शांति से बैठिए, सॉरी हमारी तरफ से गलती भी है, दोबारा इस प्रकार की गलती, प्रताप युद्ध में इतना नीचा नहीं आना चाहता कि दुश्मन की महिलाओं और बच्चों को उठाकर लाए, आप मेरे लिए उसी प्रकार सम्माननीय हो जैसे मेरे घर की बहन बेटियां होती, आपको सम्मान वापस पहुंचा जाएगा, आराम से चाय पानी पीजिए। और आराम से उनको चाय पानी पिलाया, रहीम जी के नाम पूरा लेटर लिखा कि रहीम जी गलती की गई है, आइंदा से इस प्रकार की कोई गलती नहीं होगी, आपके पत्नी बच्चे जो भी है वापस सम्मान वापस आपके पास पहुंचाए जाते हैं, इस बात के लिए हमें माफ किया जाए, मेरा बेटा अमर सिंह इनको वापस पहुंचा के आ रहा है। अमर सिंह का छोड़ गया, अब अमर सिंह को डर लगे और अपने मुगल पकड़ लेंगे जाते ही। अमर सिंह मुझे कई बार मैं घटना सोचता हूं तो मुझे लगता है कि अमर सिंह थोड़ी दूर लेके गया होगा और फिर ले जाकर होगा हे वोरा। सीधे सीधे नाक की डंडी की सीधे में चली जाओ तुम। उधर रहीमजीन बाहर से आए तो रहीमजीन देखा भाई घर पे लुगाई टापर तो ही नहीं, तो उन्होंने माथा पीट लिया अपना, और उन्होंने कहा ये क्या हुआ अपने साथ में और किधर गए? इतने में महिलाएं आई बाहर से, महिला आते रहीमजीन का तुम कहां चली गई थी? उसने कहा मंग तो तुम कहां थे, ये तो भलाओ बापड़े महाराणा प्रताप का जो हम घर पे वापस आई है, क्या बात हुई? उन्होंने पूरी बात बताई, महाराणा प्रताप की सारी बातें बताई, वो लेटर दिया महाराणा प्रताप का। रहीम जी रोने लग गए थे उस दिन,
रेमचंद का दुश्मन भी मिले तो इस प्रकार का दुश्मन मिले। उस समय महिलाओं को और बच्चों को दुश्मन की उठा के लेके जाना और उनको बंधक बना लेना, गिरफ्तार कर लेना, दुश्मन पे दबाव बनाना बहुत छोटी बातें हुआ करती थी। अक्सर तो राजा इस प्रकार पकड़ के लाके आपस में बांट लिया करते थे। यदि किसी राजा ने ऐसा नहीं किया, आप सोचिए नैतिक चरित्र से कितना महान आदमी रहा होगा। प्रताप, अक्सर लोग महाराणा प्रताप की जब भी बात करते हैं उसके योद्धा होने की बात की जाती है, उसके वॉरियर होने की बात की जाती है। मुझे लगता है योद्धा होने में तो महाराणा प्रताप सांगा के आसपास ही नहीं है। सांगा बहुत बड़ा योद्धा था, 80 घाव लगे उसके तन में, उसके बावजूद लड़ रहा था। क्या योद्धा रहा होगा अपने टाइम का, सैनिकों का भग्नावशेष था। लेकिन प्रताप में कुछ बातें अलग है कि आज भी दृष्टि ना पड़ने वाला आदमी भी प्रताप को जानता है। लोगों को केवल योद्धा होने की वजह से याद नहीं किए जाते, योद्धा दुनिया के तमाम राजा में, दुनिया में जहां कहीं सभ्यता हुई वहां पुरुष लड़े हैं, कोई कायर हुआ है, कोई वीर हुआ है, पर सबको तो हम नहीं जानते। हम कुछ एक लोगों को क्यों जानते हैं? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में कुछ अलग से चीजें दिखाई देती है, वो चीजें प्रताप की नहीं है। रेमजी ने उस दिन कहा था, रेमजी वो रोते रोते वापस रिप्लाई करते हैं कि प्रताप मैं नहीं जानता कि मुगलिया सल्तनत भारत में कितने वर्षों तक रहेगी। प्रताप मैं नहीं जानता कि मुगलों का झंडा भारत में कब तक चलेगा, ये राजा महाराजा मुगलों के कब तक यहां पर रहेंगे। मैं एक बात जानता हूं कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे धरती पर तेरा नाम लिया जाएगा। आपका दुश्मन सेनापति इस प्रकार की बात करता, इससे बड़ा तौर क्या होगा। अमर सिंह छोड़ गया था, उसके बाद अमर सिंह रेमजी बहुत अच्छे दोस्त थे, तो रेमजी और अमर सिंह विजय खूब लेटर एक्सचेंज वगैरह हुआ करते थे। अमर सिंह अक्सर रेमजी से यूं पूछा करते थे, अब हमें क्या करना, तो रेमजी सलाह और दिया करते। रेमजी कहते इस बार तुम मुगलों को ऐसे मत मार लो, इस बार इनको ऐसे पटक लो।